हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे को और नए ब्लॉग में। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है यार, आज हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग काफी लेट की है क्योंकि यार आज हमने अपनी स्कूल की भी कर ली थी छुट्टी। एंड यार आज हम लोग जाने वाले थे इस साजिद भाई का हेयर स्टाइल बिल्कुल ही चेंज कराने। ओ भाई, ये मेरा यार ये ब्लूटूथ कनेक्टर बार बार बीच में गिर जाता है, इसकी वजह से सारा ब्लॉग यार खराब हो जाता है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, आज हम लोग जाने वाले हैं साजिद भाई का पूरा हेयर स्टाइल चेंज कराने। एंड अभी हम तीनों लोग जाने वाले अपने बालों को कटाने एंड साजिद भाई अपना हेयर स्टाइल पूरा चेंज कराएंगे। अभी ये अपनी बाइक लेके आ चुके हैं। ये है इनकी बाइक, अभी आप लोग देख सकते हो, निंजा एक्स्ट्रा 10, पता नहीं कौन सी बाइक है इनकी फिलहाल। यार स्प्लेंडर बाइक है क्या? सुपर स्प्लेंडर। हाँ, और उधर सामने की तरफ है पेट्रोल पंप। गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है पेट्रोल, हम सबसे पहले पेट्रोल पड़ाएंगे। हमने पेट्रोल पंप एंड यार ये गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। सबसे पहले हम लोग पेट्रोल पड़ाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे सोहेब के घर से, सोहेब को उठाएंगे। उठाने के बाद वहां से हम लोग तीनों लोग जाएंगे बालों को हटाने। ओके, अभी यार हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल पड़ा लिया। यहाँ से हमको जाना सोहेब के घर पे, सोहेब को वहाँ से उठाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे यार बाल कटिंग की दुकान पे। वहाँ से हम तीन लोग यार वहाँ पे बाल कटाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग सोहेब के घर पे आ चुके हैं। एंड यार ये है इसका घर फिलहाल, यहाँ से हम लोग फटाफट निकलते हैं बाल कटिंग की दुकान पे। ओके, अभी का सीन कुछ ऐसा, फाइनली हम यहाँ पे बाल कटने की दुकान पे आ चुके हैं। एंड यार अभी हमने यहाँ पर अपनी बाइक को लगा दिया है और ये शायद दानसन की फोटो है। एंड मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से शॉप दिखाता हूँ। का गेट है एंड ये है साजिद। ओ, ये दानसन का बिल्कुल फैन है, आज इसका लुक पूरा ही दानसन होने वाला है। अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर। फिलहाल यार हम लोग बाल वगैरह की बात करते हैं, कैसे कटेंगे कैसे नहीं कटेंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ बाल कटिंग की दुकान में एंटर हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे भी सोहेब का सबसे पहला नंबर लगा बाल कटाने का, उसके बाद ये साजिद अपना दानिश जैन वाला लुक कराएगा। एंड यार हमने अपनी गाड़ी को बाहर पार्क कर दिया है। अभी यहाँ पे सोहेब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अपना यार हेयर कट करा रहा है, उसके बाद साजिद कराएगा, साजिद के बाद मैं कराऊंगा। एंड यार अभी साजिद का हेयर कट भी बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, अभी साजिद का हेयर वॉश हो रहा है। साजिद, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ कंप्लीट यार, पता नहीं मेरा हेयर कट करने का नंबर कब आएगा, मैं अपने बालों को कब कटाऊंगा। अभी तो यार सोहेब का एंड यार साजिद का हेयर कट वगैरह चल रहा है। अभी आप लोग पीछे देख सकते हो, तो साजिद भाई का जो है हेयर, मतलब हेयर बहुत हो रहा है। फिलहाल यार मैं यहाँ पे बैठा बैठा काफ़ी जोर हो रहा हूँ। फिलहाल यार मैं अभी तो यार शायद एक चेयर पर बैठा हूँ एंड वहाँ पे सोहेब का हेयर कट बिल्कुल ही कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मेरी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इन भैया ने मुझे बिल्कुल ही घोसला चुड़िया बना दिया यहाँ पे, इनने कई सारी क्लिप लगा दी है। एंड यार मैं अभी तो अपना हेयर कट करवाऊंगा और मैं करवाऊंगा, मेरी स्कूल में मार ना लगे। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ हेयर कट करवाने के बाद। यार अभी मेरे बाल बिल्कुल ही कट चुके हैं, मेरे और सोहेब के बाल कट गए। और मैंने एंड सोहेब ने यार अपने बालों को काफी छोटा छोटा करा लिया क्योंकि यार स्कूल में हमारी मैट हमारी काफी डांट लगा थी। अभी यार साजिद अपने बालों को कटा रहा है, कलर भी करा रहा है और हम लोग हो रहे थे काफी बोर, इसीलिए
ये मेरे प्यारे प्यारे कुछ बच्चे मिल गए, इनके साथ यहाँ वॉलीबॉल खेलने लगा। ये भैया अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम तीनों लोग बाल वगैरह कटा के वापस से आ चुके हैं अपने घर, और यहाँ पे यार घर आते आते हमको काफी शाम भी हो चुकी है। एंड यार मैं भी टाइम की बात करूँ तो शायद शाम के 6 बज चुके हैं। एंड यार मैं भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे अपनी छत पे अकेला हूँ। सोहिब अपने घर है और साजिद अपने घर है। यार जो साजिद अपने बालों पे कलर कराने वाला था यार, वो उसके बालों पे कलर नहीं हो पाए, क्योंकि यार हमारे घर से हमारे पास काफी कॉल वगैरह आने लगी तो हमको घर वापस आना पड़ा। लेकिन यार कल हम लोग जाएंगे अपने बालों पे, मतलब मैं अपने बालों पे कलर नहीं कराऊंगा, साजिद अपने बालों पे कलर कराएगा, क्योंकि यार वो दानिश जैन का बहुत तगड़ा वाला फैन है, इसीलिए वो बिल्कुल ही दानिश जैन की तरह बनना चाहता है। वो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना चाहता है जैसा कि मैंने भी यार अपना सपना इसी तरह से शुरू किया है। फिलहाल अभी आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यार आप लोग ऐसी प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। फिलहाल यार अभी यहाँ पे बिल्कुल ही शाम हो चुकी है, सोहिब अपने घर पे, कल हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे स्कूल, स्कूल जाने के बाद अपने घर आएंगे 1 बजे, 1 बजे आने के बाद यार साजिद और मैं एंड सोहिब हम तीनों लोग फिर से जाएंगे उसी दुकान पे और वहीं पे जाएंगे। एंड यार मैं वहाँ पे काफी बोर सा हो रहा था, तो यार अभी आपने देखा ही होगा मेरे इससे पिछली क्लिप में, मैं यार वहाँ पे बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलने लगा था। एंड यार मुझे उनके साथ काफी मजा आ रहा था, इसीलिए मैं उनके साथ वॉलीबॉल भी खेलने लगा था। अभी यार जो मेरी बाल वगैरह है ये मैंने काफी छोटे करा लिए, मैंने अपने भी छोटे कराए एंड यार मैंने सोहिब के भी बाल काफी छोटे करा दिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं यार वहाँ पे हमारी मैम हमको काफी ज्यादा डांटती है, क्योंकि यार हम इस टाइम हाई स्कूल में है तो यार हमारे ये बाल हैं जो यार पहले काफी बड़े बड़े थे, इसीलिए हमारी मैडम यार हमको बहुत ही ज्यादा डांटती थी। एंड यार इसीलिए हमने इन बालों को काफी छोटा करा लिया, अब हमारी मैम हमसे बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगी, बस यार 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो कहीं बड़े कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेंगे, वहाँ शायद बाल वगैरह के लिए कुछ भी नहीं कहते होंगे। आज ब्लॉग का यहीं पे करने डी एंड, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो यार ये ब्लॉग अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।